भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। जो राष्ट्र की बात करेगा और जो राम की बात करेगा, उस नेता को कांग्रेस के भीतर एक जो चौकड़ी है वो पसंद नहीं करती। इंडिया गठबंधन के बहुत से हमारे सहयोगी, उनका निशाना भी बीजेपी कम है, गांधी परिवार ज्यादा है। ये सब के सब जो कवायद हो रही है, ये गांधी परिवार के खिलाफ हो रही है। ये गांधी परिवार को पॉलिटिक्स से बाहर करना चाहते हैं। महात्मा गांधी का तो सपना था राम राज्य का, तो जिस महात्मा गांधी का सपना राम राज्य का हो, उस महात्मा गांधी की पार्टी हिंदू विरोधी कैसे हो सकती है? कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे को ज्वाइन कर रहे देखिए, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जी, जो ना तो सच सुनना चाहते हैं और ना सनातन की बात सुनना चाहते हैं, ना राम की बात सुनना चाहते हैं। जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, जो जमीनी हकीकत को बताने की कोशिश करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। मिलिंद देवड़ा का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है, और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है जी, तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ लोगों की गलतियों की सजा पूरी कांग्रेस पार्टी को ना दें। सर, ये लंबी हवा नेताओं को छोड़कर जाने की, सिंधिया हों, यूपी से कई नेता गए छोड़कर, अभी लेंदे हुआ, ये क्या कारण है सर? ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस में? विनाश काले विपरीत बुद्धि। राम के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ। तो जो राष्ट्र की बात करेगा और जो राम की बात करेगा, उस नेता को कांग्रेस के भीतर एक जो चौकड़ी है वो पसंद नहीं करती, और वो वामपंथ के विचारधाराओं से प्रभावित है। वो पूरी की पूरी कांग्रेस को बर्बाद करने में लगी है। जो सही फैसला होता है उसकी जगह गलत फैसला कराया जाता है। उसी का परिणाम है कि बड़े बड़े नेता, वो नेता जो गांधी परिवार के बहुत निकट थे, वो नेता जो राहुल जी को बहुत चाहते थे, वो नेता जो राहुल गांधी जी के साथ रहते थे दिन रात, सिंधिया हो, आरपीएन सिंह हो, जितेन प्रसाद हो, मिलिंद देवड़ा हो, वो धीरे धीरे करके सब किनारा कर रहे हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं। कांग्रेस को कोई नहीं छोड़ रहा है। इस चौकड़ी की वजह से कांग्रेस से दूर हो रहे हैं। सर, ठीक है, नेतृत्व में कांग्रेस अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से आज शुरू हो रही है और मुंबई तक जाएगी, 67 दिन की यात्रा है। देखिए, कांग्रेस के जो नेता राम मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे थे, जो राम मंदिर के मुहूर्त की विश्लेषण कर रहे थे, उन्हें इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे धर्म शास्त्रों के आधार पर, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार आज पंचक लग चुका है। आज रात 11:35 से पंचक शुरू हो गए और 18 जनवरी सुबह 3:33 तक पंचक रह गए। तो पंचकों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, और पंचक में इस यात्रा को शुरू कराया जा रहा है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इस यात्रा पे भी अपनी कृपा बनाए और राहुल जी पे भी अपनी कृपा बनाए। कांग्रेस के बने ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन 2024 का जो चुनाव है अगले 2-3 महीने में होने वाला है, मई में समापन होगा और यात्रा अप्रैल मार्च में समापन होगी, तो चुनाव से ठीक पहले यात्रा कितना फायदा देगा कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस में एक ऐसा धड़ा है जो गांधी परिवार को साइड करना चाहता है। प्रियंका जी को साइड कर दिया है, करने की कोशिश हो रही है। अब मुझे बताइए, प्रियंका गांधी इससे बड़ा कोई लोकप्रिय नेता है? लेकिन प्रियंका गांधी का जब वो पत्र जारी हुआ तो उनके आगे लिखा गया, प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो। ये लिखने वाले कौन हैं? प्रियंका गांधी का अपमान नहीं तो क्या है ये? दूसरा, राहुल गांधी जी को दिन रात इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर दौड़ाते रहते हैं।
कांग्रेस पार्टी पे, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पे एक खास किस्म के लोगों का कब्जा हो गया है, जो गांधी परिवार की जो पूंजी है उसे खत्म करना चाहता है। सर, कल इनकी वर्चुअल बैठक हुई, 28 पार्टियों में से 14 पार्टी ज्वाइन किया, ममता बनर्जी अखिलेश यादव ज्वाइन नहीं कर पाए, और नीतीश कुमार ने कन्वीनर पद को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं, चुनाव के बाद देखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे प्रस्ताव है कि वो अध्यक्ष होने इस ब्लॉक के। देखिए, इंडिया गठबंधन के बहुत से हमारे सहयोगी, उनका निशाना भी बीजेपी कम है, गांधी परिवार ज्यादा है। ये सबके सब जो कवायद हो रही है, ये गांधी परिवार के खिलाफ हो रही है। ये गांधी परिवार को पॉलिटिक्स से बाहर करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि गांधी परिवार पर अपनी कृपा बनाए। एंटी हिंदू है सच में कांग्रेस? एंटी हिंदू कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी की पार्टी है, राजीव गांधी की पार्टी है, इंदिरा गांधी की पार्टी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है। महात्मा गांधी की पार्टी हिंदू विरोधी हो ही नहीं सकती, राजीव गांधी की पार्टी हिंदू विरोधी हो ही नहीं सकती। महात्मा गांधी की हर सभा की शुरुआत होती थी, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। महात्मा गांधी का तो सपना था राम राज्य का, तो जिस महात्मा गांधी का सपना राम राज्य का हो, उस महात्मा गांधी की पार्टी हिंदू विरोधी कैसे हो सकती है? सर, अनंत कुमार बीजेपी के एमपी हैं कर्नाटक, उन्होंने कहा कि जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मृत्यु हुई वो गौ हत्या के श्राप के कारण हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे बयान देने वाले नेताओं को सद्बुद्धि दे। इस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे, जो कहते हैं, जो कर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो। कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है तो उसका भी विरोध करेंगे। मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन, GAIN, में विश्वास करता हूं। गेन का मतलब ग्रोथ, एस्पिरेशन, इंक्लूसिविटी एंड नेशनलिज्म। मैं पेन की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं, PAIN, पर्सनल अटैक्स, इनजस्टिस और नेगेटिविटी। सुबह से बहुत लोगों का फोन आ रहा है कि मिलिंद जी, आपने आपके फैमिली का 55 साल पुराना रिश्ता कांग्रेस के साथ क्यों तोड़ा? मैं एक बात कहना चाहता हूं सबसे पहले कि मैं पार्टी के सबसे चैलेंजिंग दशक, सबसे चैलेंजिंग डेकेड में मैं पार्टी का लॉयल रहा हूं। अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस, जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल किया हुआ, और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यदि कांग्रेस और UBT कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते। एकनाथ जी को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, मुझे एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ा, और आज जो अफसोस की बात है कि वही पार्टी जिस पार्टी ने 30 साल पहले, जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, द सेम पार्टी दैट अशर्ड इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 30 इयर्स अगो इज अ पार्टी दैट इज अब्यूजिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, अब्यूजिंग बिजनेसमैन एंड कॉलिंग बिजनेसमैन एंटी नेशनल्स। द सेम पार्टी दैट यूज्ड टू ऑफर कंस्ट्रक्टिव सजेशंस टू दिस कंट्री ऑन हाउ टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड, आज उस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि मोदी जी जो कहेंगे, जो कहते हैं, जो कर्म करते हैं, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ बोलो। कल को यदि मोदी जी कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है तो उसका भी विरोध करेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जिस राजनीति में विश्वास करता हूं, मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन, GAIN, में विश्वास करता हूं। गेन का मतलब ग्रोथ, एस्पिरेशन, इंक्लूसिविटी एंड नेशनलिज्म।
मैं पेन की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं, PAIN, पर्सनल अटैक्स, इनजस्टिस और नेगेटिविटी। मैं एकनाथ जी को एक बात कहना चाहता हूं कि सुबह से एकनाथ जी आपने भी स्वयं देखा होगा कि हर एक ट्रेडर एसोसिएशन जिनके वजह से आज हम गर्व से कहते हैं कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, कपड़ा बाजार से लेकर मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मार्केट, जवेरी बाजार से लेकर डायमंड मार्केट, सभी लोग हमारे साथ हैं। और लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि मिलिंद जी, हम आपके नेतृत्व में एकनाथ जी के साथ, हम उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, शिवसेना के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं और एक बार मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बनने में हम मुंबई के हाथों को, मुंबई की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं ताकि सामान्य लोगों को रोजगार मिले। आज दोस्तों भारत में केंद्र में और राज्य में मजबूत सरकार की आवश्यकता है और हम सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अधिक मजबूत है। आज महाराष्ट्र में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जो मैंने मराठी में कहा कि जमीनी वर से नेते आए, इतने एक्सेसिबल, मैंने इतने सालों में वर्षा को, बंगले को इतने एक्सेसिबल कभी नहीं देखा है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र की जनता के लिए। उनके नेतृत्व में हमें मुंबई और महाराष्ट्र को आगे ले जाना होगा और मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में आज मुंबई और भारत अधिक सुरक्षित है, आज मुंबई और भारत की अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर है और आज मुंबई और भारत में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल आउट हो रहा है वो बहुत बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से एकनाथ शिंदे जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कभी हम सोच नहीं सकते थे इस मुंबई में इतने सालों से, जो मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में शिंदे जी, मुंबई पर एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। ये मुंबई करो के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मुंबई करो के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन इस अचीवमेंट का कारण है नरेंद्र मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी